ट्रेडिशनल जो रूफ्स हैं यहाँ की, ये इन घरों की बिल्कुल घास फूस की लगता है बनी हुई है, बट है नहीं। और ये देखें पिंक कलर का कितना प्यारा कॉटेज था, बहुत ही प्यारे प्यारे जो हैं ये सारे कॉटेजेस हैं। अभी जो है हम आए हैं इधर एक ये पुराने स्टाइल का जो है ना स्टीम रेलवे जर्नी को एंजॉय करने, वन आवर की ये राइड है जो कि अभी हमने करनी है। और ये बिल्कुल पुराना जो ज़माने का स्टीम इंजन धुएं निकालता था ना, ये वो वाला है, तो बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और कहाँ कहाँ से ये गुजरता है पूरे आइलैंड पे से जजीरे में और समुंदर के साथ साथ से देखते हैं इसका क्या रूट है वो मुझे अभी नहीं पता, तो चलते हैं और करते हैं स्टीम इंजन की राइड। ये है टिकट ऑफिस जहाँ से अभी हमने ट्रेन की टिकट ली है, ये भी कितना क्यूट सा है। ट्रेन की 7 एयर शॉप छोटी सी रेलवे स्टेशन पे बनी हुई, यहाँ पे देखते हैं अभी कुछ क्या चीजें हैं। नहीं जी, ये एक इंजन है जो जा रहा है और अभी मेरे ख्याल से इसी पे हमने जाना है, तो ये भी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर तक, मेरे ख्याल से अभी रह गया वक्त टाइम। चलें जी, आ गया हमारी ट्रेन का स्टीम इंजन पुराने ज़माने का। आज हम एक पुराना एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा लगता था ट्रेन्स में बैठ के उस वक्त जब कोयले के साथ ट्रेन्स चलती थी। ये है बोगीज, 3-4 बोगीज हैं जिसमें लोगों ने बैठना है। ये देखें ये कोयला जो है ना रखा हुआ जिससे ये ट्रेन चलेगी। ये म्यूजियम है ट्रेन स्टेशन पे ही, छोटा सा म्यूजियम है, इसमें पीछे वो सारे पुराने बॉगीज और पुराना सब कुछ जो था वो रखा हुआ था। ये सारा ये वर्कशॉप, ये पुरानी सारी बॉगीज हैं उनकी, ट्रेन्स हैं उनकी, उनकी बॉगीज हैं और इंजन के कुछ हिस्से हैं, ये भी एक पुराना इंजन है 1903 की, 1903 की पुरानी ट्रेन जिसकी वुडन जो है ये सारी बॉगीज हैं पुराने स्टाइल की जिसको इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, और उसमें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज 2022 में बैठकर कि उस वक्त के लोग कैसे जो है यहाँ पे ट्रेन में सफ़र करते थे। हर चीज़ पुराने स्टाइल की, क्या बात है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। वो देखिए धुआं कैसे निकल रहा है, पुराना धुआं उड़ाता हुआ इंजन एक जजीरे पे चलता जा रहा है। ये आइलैंड बहुत खूबसूरत है, बहुत नेचुरल ब्यूटी है, कितनी प्यारी सब दी है ट्रेन, फुल धुआं देती है वैसे हुए ज़बरदस्त। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो आज किया ये बहुत अच्छा है, और मुझे तो इसमें बहुत ही मज़ा आया। मेरे हस्बैंड को जो है वो ट्रेन बहुत पसंद है, तो उनको भी यकीन ये बहुत एंजॉय किया।
और ये हमारी ट्रेन छुक 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 करती हुई जा रही है। पुराने स्टाइल की ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं और पुराना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा ख्याल ये बेस्ट एक्सपीरियंस है जो मेरा ख्याल से अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। और ये देखिए इनकी कितनी अच्छी वेलवेट की चेयर, वो जो है ना कोशिश है, ज़बरदस्त किस्म का ये सीट्स हैं वेलवेट की। अच्छा, ये ऊपर उन्होंने सामान रखने के लिए बनाया हुआ है। ये चेन है अगर आपको इमरजेंसी हो तो करें। लकड़ी के ओरिजिनल लकड़ी के देखें फ्रेम्स हैं सारे ये, और बिल्कुल ओरिजिनल पुरानी ट्रेन को उन्होंने जो है ना वर्किंग कंडीशन में रखा हुआ है टूरिस्ट के लिए। नो स्मोकिंग। छुक छुक की आवाज बहुत अच्छी लगती है। लकड़ी की छत है और ये ब्रास का जो है वो ऊपर लाइट लगी हुई है ब्रास के फ्रेम में, लकड़ी की छत। ये जो है अभी हम अपने केबिन से, उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया है, हम बाहर निकल के खड़े हुए हैं। ये देखें लोग, और ये है हमारे केबिन का नंबर B3। ये एक स्टेशन आया है उसका, जिस पे थोड़ी देर आप बाहर उतर के देख सकते हैं। और हमारा राइड जो हमारी राइड थी वो बहुत अच्छी रही, 1 आवर की थी, बहुत मज़ा आया। खेतों खलियानों में से, ग्रीनरी में से गुजरती गुजरती, और वहाँ पे वो आपको देखे स्टेशन मास्टर नज़र आ रहे हैं। ये हैं जी स्टेशन मास्टर जो खड़े हैं, ये सारा स्टाफ खड़ा हुआ है। और ये जो सर आपको नज़र आ रहा है ट्रेन से निकला हुआ, ये भी स्टेशन मास्टर का, वो अपना कोई इशारा है जो कर रहे हैं। ओल्ड स्टेशन मास्टर। और ये हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बड़ा प्यारा सा ये रेस्टोरेंट भी बना हुआ है एक साथ। और यहाँ पे बस हमारा जो जर्नी है थोड़ा सा आगे की तरफ अब जा रहे हैं हम। ये देखें सीट के ऊपर मेरे बेटे की पानी की बोतल खड़ी हुई है और वो गिर नहीं रही, हिल रही है, साइड पे जाती है फिर आती है, लेकिन गिर नहीं रही। ये देखें कैसे, ये देखें अभी तक भी कितनी देर से, ये तकरीबन 15-20 मिनट से है इसकी, लेकिन ये गिरी नहीं है, मुसलसल झूम रही है इधर साइड पे, आई जाती है और वापस आती है। ये दूसरा स्टेशन है जिस पे हम उतरे हैं सारे इस ट्रेन से, और सब लोग जो हैं वो ट्रेन के स्टेशन भी इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट, पुराने पुराने स्टाइल के, और फूल और जो है ना वो उन्होंने अपने स्टाइल की जो है ना सारी डेकोरेशंस की हुई है। इंग्लिश हवा तो चल रही है, शुक्र है अल्लाह का। ये इंजन जो है देखें ये चेंज होने लगा है, इंजन जो है हमारा वापस आ रहा है।
इंजन का ड्राइवर भी जो है ना वो एक पुराना बूट है। हर ये देखें ये जुड़ने लगा, ये अब इसके साथ जुड़ जाएगा, ये एक्सचेंज हो गया इंजन। और अच्छा इन्होंने ना ये जो विंटेज ट्रेन का जो जितना भी स्टाफ है ना वो भी सारा बूढ़ा बूढ़ा रखा है, ओल्ड बूढ़ी बूढ़ी औरतें बूढ़े बूढ़े आदमी सारे सब। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया एक बिल्कुल ओल्ड एज का, उसमें कोई यंग नहीं है। ये देखिए जी बिल्कुल पुराना स्टाइल का वो जो एक लालटेन या क्या इसको कहते हैं, आई डोंट नो, ये लेके इसको वो दिखाते थे ना जो रेलवे स्टाइल के, तो वही उन्होंने पकड़ा हुआ। ये स्टाफ है, ये इनका स्टाफ है और ये सारे उन्होंने चुन के जो है ना वो रखे हैं बड़े, बिल्कुल जो लुक भी उनकी वैसी है, मोटे मोटे पेट और हैट पहनी हुई और सारे, और बड़ा फ्रेंडली स्टाफ है, बड़े मज़ेदार से सबसे बातें कर रहे हैं पूछ रहे हैं। तो ये एक बहुत, मज़े की राइड है। यहाँ से अब हम वापसी की तरफ जाने लगे हैं। यहाँ पे लोगों के घर भी हैं, देखें साइड पे बने हुए, कपड़े भी टंगे हुए, ये देखें तार के ऊपर धो के लटकाए हुए। जी ये जो बिल्डिंग है ट्रेन स्टेशन पे ही बिल्डिंग है, ट्रेन से ही रिलेटेड है, या साउदर्न रेलवे की 1886 की बिल्डिंग है ये। ये मैं आपको दिखाती हूँ 1886, और ये है जी अब इसको स्टीम दे रहे हैं ऊपर से, ये स्टीम जा रही है इस इंजन के अंदर। बिल्कुल वही पुराना तरीका। तो जी ये कैसा टूर था, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते व्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा।